ब्लॉक हर किसी की जरूरत है, सोना छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, सर्दियों में नहाना छोड़ दो लेकिन सन ब्लॉक को अप्लाई करना मत छोड़ो। इतना जरूरी है सन ब्लॉक हमारी स्किन के लिए जितना जरूरी खाना पीना है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि इतनी जरूरत है हमारी स्किन को सन ब्लॉक की। हर एज की स्किन को जरूरत है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, अब एज के किसी भी हिस्से में है, सन ब्लॉक इतना ही जरूरी है जितना खाना पीना हमारी सेहत के लिए जरूरी है। बेसिकली तौर पर जो सन ब्लॉक है वो हमारी स्किन पर एक लेयर बनाता है, यानी कि हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन को भी हिट कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो, फिर मुझे खुद ही अपनी वीडियो को वॉच करके थम्स अप देना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वंडरफुली वेल। विंटर तो खूब इंजॉय हो रहा होगा, अपने आप को कवर करके रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग की सर्दी और एक जाती सर्दी बहुत बुरी लगती है। सो खैर वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि मैं क्या लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। सो खैर मैं बता ही देती हूँ कि मैं आज सन ब्लॉक का रिव्यू आप लोगों को दूंगी। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि ऑनलाइन या तो उन्हें ऑर्डर करना नहीं आता, और अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना भी आता है जिन लड़कियों को, तो डीसी इतनी पड़ जाती है कि अगर वो सन ब्लॉक ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाएं तो डीसी अंदर ऐड करके काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, यानी कि उनके बजट से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसा सन ब्लॉक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। सबसे पहले मैं उसकी प्राइस यहाँ पर स्क्रीन पर भी अटैच कर दूंगी और बता भी दूंगी कि 250 से 300 की रेंज के अंदर अंदर ये सन ब्लॉक आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्किन वाइट सन ब्लॉक। इस सनब्लॉक की सबसे मज़े की बात, सबसे प्लस चीज़ जो मुझे लगती है ना, कि हम कोई भी सनब्लॉक लगाते हैं और उससे पहले हमें नीड होती है कोई भी करीम अपने फेस पर लगाने की, लेकिन ये सनब्लॉक प्लस करीम है, यानी कि इससे पहले हमें कोई भी करीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली तौर पर यह खुद एक करीम है। जैसा कि इसके ऊपर बकायदा मेंशन है कि इसमें SPF 60 है और ये दो तरह की सनरेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, UVA प्लस UVB। अब UVA और UVB क्या है, ये कौन सी सन रेज होती हैं, किस तरह की रेज होती हैं जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। वैसे तो मैं पहले भी पूरी डिटेल में इन दोनों रेज से रिलेटेड बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं इनकी बता देती हूँ। UVA रेज जो होती हैं ये स्किन को अंदर से डैमेज करती हैं, स्किन पर रिंकल्स लेकर आती हैं, स्किन का कलर डल करती हैं। और UVB रेज ये स्किन को ऊपर से डैमेज करती हैं, स्किन पर एंटी एजिंग के इफेक्ट लेकर आती हैं, ये भी स्किन का कलर डल कर देती हैं, स्किन पर खारिश स्टार्ट हो जाती है, स्किन पर जलन स्टार्ट हो जाती है जैसे ही धूप में जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कलर जो है वो, यानी कि फेस जो है रेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये UVB रेज के इफेक्ट होते हैं जो कि स्किन पर पड़ रहे होते हैं, और अक्सर लोग बड़े खुश होते हैं, जी हमारा मुंह टमाटर की तरह रेड रेड हो गया है। सो खैर अब बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की और इसके बैक साइड पर क्या क्या मेंशन किया गया है, सारा कुछ मैं आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ और इसे लगाने का मेथड भी बताती हूँ। स्किन वाइट का सन ब्लॉक जिसमें SPF 60 मेंशन किया गया है, बहुत से ऐसे सन ब्लॉक होते हैं जिसमें SPF 30 भी मेंशन किया जाता है, बेशक 30 लिखा हो या 60 लिखा हो, लेकिन हर 2 घंटे बाद सन ब्लॉक की एप्लीकेशन अपने फेस पर ज़रूर किया करें। अब इसकी बैक साइड पर आ जाते हैं। इसकी बैक साइड पर UVA और UVB रे से रिलेटेड उसके साइड इफेक्ट बताए गए हैं जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और साथ में बताया गया कि ये स्किन को ब्राइटन अप और वाइटन अप कम्प्लेक्शन करेगा आपकी स्किन को। 100 ml प्रोडक्ट इस पैकिंग में मिलता है और पाकिस्तान से ही इसे मैन्युफैक्चर करवाया गया है, यहाँ से ओपन करके ईजिली प्रोडक्ट को निकाला जा सकता है। यूज करने का मेथड ऊपर बताया गया है, इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं। इस सनब्लॉक के ऊपर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं वो सारे के सारे स्किन फ्रेंडली हैं, मतलब कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए गए हैं जो कि आपकी स्किन को सन रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इन दोनों तरह की रेज से आपकी स्किन को बचा कर रखेंगे, और जब स्किन सन रेज से बची रहेगी ना तो स्किन डैमेज होने के चांस ही नहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि बेसिकली तौर पर ये करीम है, तो इसीलिए इसे पहले कोई भी करीम अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो टीन एजर्स बच्चियाँ या वो बच्चियाँ जो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, या जो करने वाले लोग जो इसे अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस सनब्लॉक का टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, जैसा कि देखने में कितनी थिक है इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल क्रीम फॉर्म के जैसी है लेकिन लगाने में इतनी थिक नहीं है।
साथ में इसकी खुशबू बता दूं कि थोड़ी तेज़ है फिर एंड लवली जैसी, मुझे तो खुशबुएं पसंद है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही स्मूथली और क्विकली से ये स्किन में ब्लेंड हो जाता है। इस सनब्लॉक की थोड़ी सी अमाउंट ही फेस पर अच्छे से अप्लाई हो जाती है, यानी इसके अच्छे से कवर कर देती है आपके फेस को और अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, बहुत ही स्मूथली स्किन को प्लम्प बना देती है, स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है, डीपली मॉइस्चराइज करती है बल्कि स्किन को। वही हाथ लेकर अपनी फ्रंट और बैक नेक पर, अपने कानों पर, अपने हाथों बाजुओं पर भी मल लिया करें ताकि हर एरिए से प्रोटेक्शन मिलती रहे आपको। जैसा कि मेरी स्किन सुपर डुपर ड्राई है, मुझे फेस ऑयल मॉइस्चराइजर अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन इस सन ब्लॉक को अप्लाई करने के बाद मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कोई भी मॉइस्चराइजर या फेस सीरम अप्लाई करने की। सनब्लॉक एक ऐसी चीज है कि सिर्फ बाहर जाने वाले लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, घर में रहने वाले लोगों को भी सनब्लॉक की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो खवातीन जिन्होंने स्पेशली किचन का काम करना होता है, हीट पड़ती है, हाथों पर पड़ती है, बाजुओं पर पड़ती है, चेहरे पर पड़ती है, इसके अलावा अगर आपने कोई काम जिन्होंने नहीं भी करना होता वो भी अपनी स्किन पर, अपने फेस पर, अपने कानों पर, हाथों पर सनब्लॉक जरूर अप्लाई किया करें। यह हर किसी की जरूरत है। ये वाहद ऐसा सनब्लॉक है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन को प्लम्प बनाएगा। जैसा कि इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि ये स्किन को यंगर लुक देगा, तो ये चीज इसमें नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये स्किन को माइनर सी ब्राइटन अप टोन में जरूर लाएगा, जस्ट लाइक जैसे हम फेयर एंड लवली अपने फेस पर अप्लाई करते हैं और ब्राइटन अप हमारा चेहरा दिखाई देता है, इस तरह की लुक तो ये जरूर देगा लेकिन यंगर लुक तो नहीं देगा, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन किया गया। इस चीज से मैं एग्री नहीं हूँ। बाकी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और 3 मंथ तो आराम से आप लोगों के निकलेंगे, डेली भी अगर आप इसे यूज़ करोगे ना। वैसे भी इसकी क्रीम फॉर्म में कंसिस्टेंसी है, इसका टेक्सचर ऐसा है, तो इसीलिए इसकी थोड़ी सी अमाउंट ही काफ़ी है, फेस पर अच्छे से अप्लाई हो जाती है। तो 3 माह तो आपके भागेगा ये सनब्लॉक। अभी भी जस्ट मैंने ये सनब्लॉक ही अपने फेस पर लगाया है और इससे पहले मैंने कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की, हल्का सा लिप ग्लॉस लगा लिया है और टिंट लगा लिया है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोई और चीज़ अपने फेस पर लगाने की। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि आफ्टर फेस वॉशिंग अपने डैम फेस पर मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई किया करें, लेकिन मैंने कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया। मैंने आफ्टर फेस वॉशिंग जैसे ही मेरा फेस ड्राई हुआ तो मैंने डायरेक्ट ही इसकी एप्लीकेशन कर ली अपने फेस पर, तो सिर्फ वही करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के सामने। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लाइव आप लोग देख रहे हो। अब इससे बढ़ के रोर मैं इसकी, साथ में ही मैं इसकी फ्रेगनेंस बता दूं कि इसकी खुशबू कैसी है, जैसी फेयर एंड लवली की है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमें इसकी खुशबू बताएं। बहुत से लोगों को एलर्जी होती है तेज़ खुशबू से, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ कि बिल्कुल सेम एज इट ऐसी ही है जैसे फेयर एंड लवली है। तो इसीलिए अगर आपको उसकी खुशबू से एलर्जी है तो आप लोग इसे अप्लाई मत करें, फिर आप लोग अवॉइड करें। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप इतनी तेज़ भी नहीं है, इतनी हार्श भी नहीं है जो कि आप लोगों को इरिटेशन करे, क्योंकि अप्लाई करने के बाद कोई इतना फील नहीं होता इसकी खुशबू का, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। यही थी मेरी वीडियो आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। और अब तो वीडियो को जल्दी से लाइक दे दे, अब तो भूले नहीं ना होंगे, लाइक देना। यही थी मेरी वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अदर्स ग्रुप में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।